लो जी शुक्र है यार खत्म हो गया मेरा दूसरा पारा। तो ये ना राजस्थान में क्या क्या बना रहे हो? आज पापा बना रहे हैं फ्रूट चाट, मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल्स, और ये तीसरा गधा देखो इनके साथ सोया हुआ है। लाइट्स अगर बंद की ना मार, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आदाब, खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज रमज़ान का दूसरा रोज़ा है, तो आप सबको रमज़ान का दूसरा रोज़ा मुबारक हो। बाकी अभी मैं आई हुई हूँ उमार को उठाने। कैसे सोया हुआ देखो यार, कल अशरफ इस जगह पे सोया हुआ था, आज अमार सोया हुआ है। खैर गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जितनी हो पाए हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि हम जल्दी जल्दी ग्रो करें। उठ, ओह टाइम हो गया, सेरी बन गई, चलो 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 चलो, उठो उठो। अच्छा, उठ उठ अमार, उठ पापा, उठ जाए, सेरी बन गई है। अच्छा, इससे भी उठाया ना पापा, उठो ना शरब। अरे उठ जाऊंगा, तुम जाओ, उठो ना, उठो उठ 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 उठ, मेरे को मजा नहीं, मजा नहीं आ रहा ना मेरे को, उठ जाओ यार। बाकी सेरी बन गई है, बस अभी दस्तरखान लगाते हैं। पराठे देखो मम्मा के, क्या मस्त किस्म के पराठे बनाती है भाई। तभी तो पापा को मम्मा के सिवा किसी का पराठा नहीं पसंद है ना पापा। आज सेरी में मम्मा ने आलू गोश्त बनाया है, अभी डिश मिला करते हैं। वो नमूना भी आ गया, ओले बिल्लू भी शेरी कर ले हैं, बिल्लू भी शेरी करना है, कुची कुची बिल्लू भी रोजा रखेगा, खाने दे इसको, ये भी शेरी कर ले। चलो जी, चाय भी आ गई हमारी पापा, चाय आपकी, ये है मेरी, ये है अशारा बोरा मार की, ये है, ये देखो खाना खा के फिर सो गया, अभी नहीं बचेगा मुझसे। चाय कौन पिएगा हैं? नमाज कौन पढ़ेगा? नहीं पीनी मैंने चाय। सही है, फिर ना बोलना कि मेरी चाय किधर है। ये सही है यार, वैसे चाय का नाम सुन के ये बंदा उठ जाता है, आज उठ ही नहीं रहा। तो अभी चाय पीते हैं हम भी, अमार को मरने देते हैं, पता नहीं क्या हो गया इसे, रात इसने नींद भी की है, हमने तो नींद भी नहीं की भाई, हम एडिटिंग ही कर रहे थे। पहले मैं सोच रही थी कि मैं सो जाऊं, लेकिन नहीं भाई, मेरे को काम ख़त्म करना था, तभी मैंने एडिटिंग ख़त्म किया। अभी ये रेंडर लगी हुई है, जैसे ही रेंडर होगी तो मैं प्रीमियर लगा लूँगी ताकि पूरे 1 बजे आप लोगों को मेरी वीडियो मिल जाए। बारिश भी हो रही है यार। चलो जी, मोटर बज गया, अभी ये शरमपुर अमार को उठाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और खुद भी पढ़ते हैं। बाकी अब मौसम इतना ठंडा ठार हो गया ना जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ, कल से, कल तो बारिश भी हुई थी, मैं सोई हुई थी उस टाइम, जैसे ही मैं उठी तो भाई बारिश करता हूँ, हमारी किस्मत। अभी इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, अंदर भी सर्दी लग रही है, पंखा चलाया हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे भाई एसी में बैठे हुए, पंखा ही मैंने बंद कर दिया। लो जी अज़ान भी आ गई, नमाज कौन पढ़ेगा है? बस एक दिन था, एक दिन बस पढ़ते हैं ना, क्या हो गया? बस एक दिन मस्जिद जाना था, नहीं पढ़ते हैं नमाज, क्या हो गया? कब जाओगे? अभी पढ़ेंगे, जब जमात हो जाएगी तब जाओगे। हो गई जमात कब की? अभी घर में पढ़ोगे, शर्म ही नहीं है औरतों की तरह घर में पढ़ेंगे, शर्म शर्म औरतों की तरह घर में पढ़ेगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। हेलो, नमाज जा रहे, टाइम हो गया। वो शरब, बहुत टाइम अभी नहीं हो गई है, नहीं हुई हो गई, वो गया हुआ है वजू करने, उठो शाबाश, उठो। मैं बड़ी हूँ, आपको लगता होगा कि वो बड़ा है शरब, लेकिन मैं बड़ी हूँ, मैं डांट सकती हूँ इसे अगर वो गलत काम करेगा तो। अशरब घर पे पड़ेगा, ये औरत है ना, औरत अशरब औरत है, तभी घर में पड़ेगा औरत। चला गया शंकर है, अभी हम भी पढ़ लेते हैं नमाज, तिलावत भी करनी है और दूसरा पारा भी ख़त्म करना है, सुबह भी मैं ख़त्म कर लूँगी ताकि दिन को हम जो काम रहते हैं ना वो कर लें। गुड आफ्टरनून गाइस, तो अभी तकरीबन दोपहर के 3 बज रहे हैं, इन दोनों को देख रहे हो यार, जैसे ही नमाज पढ़ के आते हैं ना फिर ऐसे यार खोते की तरह सो जाते हैं।
रमजान में इनकी यही रूटीन है, नमाज पढ़ते हैं सोते हैं, नमाज पढ़ते हैं सोते हैं, पता नहीं क्या सीन है यार, पूरी रात जागते हैं ना इसी वजह से। खैर अभी दिन के तकरीबन 3 बज रहे, मैंने नमाज पढ़ ली, आज जुमे का दिन था ना तो नमाज पढ़ ली। अभी मैंने मशीन लगाई हुई है क्योंकि यार आपको पता तो है मैंने सारे अपने कपड़े वगैरह निकाल लिए हैं, 2-3 सूट ही हैं तो वो भी यार मेले पड़े हुए हैं, तो वही मैं धो रही मम्मा के अपने और पापा के, क्योंकि नमाज पढ़ते हैं तो भाई कपड़े लाजमी है, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो भी मैंने मशीन लगाई हुई है, ये देखो कितने सारे कपड़े हो गए, लेकिन ये मैंने कपड़े अभी धोना है। वैसे ये एक्सरसाइज वगैरह तो कर नहीं रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि चलो यार काम शाम ही कर लेते हैं, रोजे में एक्सरसाइज हो जाएगी खुद ही। फिर कल भी मैंने बहुत काम किए थे, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैंने सोचा चलो यार मशीन लगा लेते हैं, कोई मेरे को मसला नहीं होगा, तो तभी मैंने मशीन लगा लिया। अभी फ़िलहाल तो मैंने टॉवल वगैरह डाले हैं क्योंकि ये जो मेरे भाई हैं ना गधे, ये जाते हैं नहाने तो टॉवल नीचे गिरा देते हैं, तो रोज़ टॉवल धोने पड़ते हैं यार। खैर अभी मम्मा उठी हुई हैं, मम्मा भी लग गई हैं भाई इफ्तार बनाने में, आज गैस है शुक्र है यार। बस अभी जल्दी से यार काम ख़त्म करते हैं, मशीन वगैरह कपड़े धोते हैं और इन गधों को भी उठाते हैं। और ये तीसरा गधा देखो इनके साथ सोया हुआ है, इसे भी इन्होंने अपने जैसा बना दिया, हाथ धोती है वैसे, देखो कितने सुकून से सोया हुआ है। वो जो छोटा सिम्बा था ना हमने उसे निकाल दिया, उसके बाद ऐसे ये सुकून से सोता है। इसे बस यार यही चाहिए था कि मुझसे ही सब प्यार करें, किसी और से प्यार ना करें, है ना। देखो जब से वो गया है सिम्बा तो कितने सुकून में आ गया बिल्लू, उठ गया, उठ गया, जाग हो गई, बस हो गई सुबह, हो गई सुबह, हो गई बिल्लू की चुन्नी मुन्नी, सुबह हो गई बिल्लू की। कितना क्यूट बिल्ला है, कितना क्यूट बिल्ला है, इतना प्याला बिल्ला आपने कहीं पे देखा ही नहीं होगा है, इतना प्याल करता है, इतना प्याल करता है, ये गंदा बच्चा, इतना तो इंसान भी ना करे। पता है यार क्या करता है, मैं सोई हुई होती हूँ यहाँ पे, सही है, तो कभी आके मेरे पेट पे सो जाएगा, फिर मैं थक जाती हूँ तो इसे हटाती हूँ तो फिर बाजू पे आके सो जाता है। वो बहुत ही क्यूट बिल्ला है माशाल्लाह से, देखो अभी कैसे कैसे छुपा हुआ है, किधर छुपा हुआ है, किधर छुपा हुआ है, भाई के पास गया हुआ है, ये भाई के पास बिल्लू, कितना प्याला बिल्ला है, कितना प्याला है, हद धोती है यार, ये देखो इतना बड़ा जानवर गिर गया नीचे, जमीन ही टूट गई सारी। ये तेरे को हर चीज रिकॉर्ड करनी होती है। हाँ तो तुम गिर गए तो रिकॉर्ड ही करना था ना, उठो अभी इतने बड़े सांड को उठाए, अरे उठ गया, मैं तो समझ रही थी नहीं उठ पाएगा। बाकी ये चुनू मुनू देखो हमारा रोजेदारों के सामने कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है। नहीं मैंने ये भी डोर बंद किया था, वो भी डोर बंद किया था और फिर पी रहा था अकेले अंदर। इतना अच्छा बच्चा, इतना मेला बिल्लू, कूची कूची बिल्लू मेला, ये तो बिल्लू से भी प्यारा है, नहीं बिल्लू जैसा ही बाजी कभी। वाह वाह, ये ढूंढ रहे थे ना तुम, ओए मिल गई तुम्हें। हाँ ये तुम्हारी, ओए हमारी, ये तुम्हारी वाइट, तुम्हारे कुर्ते में मैच होगी। मैं हो रहा था इस चीज़ की तो कमी है, मतलब यही चीज़ बस कंप्लीट नहीं कर रही थी लुक को, तो अभी कन्फर्म जन्नती, कन्फर्म जन्नती। ये तो छोटी है। ओए बिल्लू तुम्हारे लिए अभी मैं कहाँ से लाऊं, ये भी कर रहा है म्याऊं म्याऊं, छोटी है नहीं पूरी है, ऐसे ही होती है। हाँ अभी लग रहे हो ना प्रॉपर मुस्लिम मेरी तरह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं भी बोल रहा हूँ किसी चीज की कमी है, कुछ तो कम लग रहा है। हाँ, अब ठीक है, अब मैं पूरे रमजान जो है ना ये टोपी पहन कर रखूंगा। वैसे एक बात बताऊँ, तुमने जो कसम खाई थी कुरान मजीद खत्म करूंगा, हाँ तो आज दूसरा दिन है, दूसरा सिपारा कौन खत्म करेगा। हाँ तो खत्म करूंगा ना, पहला खत्म कर दिया ना पहले दिन। अमार शर्म करो, क्या तुम यार पता है अगर मैंने स्टार्ट किया ना पूरा महीना चल जाएगा लेकिन पहला सिपारा नहीं खत्म होगा। मेरे को नींद आ रही है यार, ये बंदा सिलो है बहुत ज्यादा। ओए माशाल्लाह क्या बात है यार। अच्छा मुझे जिस बंदे को हम बोला करते थे नमाज पढ़ लो, माशाल्लाह माशाल्लाह यार, हम यही तो चाहते थे अशारा राह रास्त पे आ जाए। वैसे था पहले भी था लेकिन अभी कुछ ज्यादा ही माशाल्लाह हो गया, अभी खुद ही उठ रहा है, पहले हम इसे उठाते थे अब ये खुद ही उठ रहा है नमाज के लिए भी और तिलावत करने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे को जन्नत में जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी तो कंफर्म जन्नत, तेरे को नहीं जाने दूंगा मैं, मैं तुमसे पहले जाऊंगी। मैं नहीं जाएगा तो तू नहीं आएगी। हट हट, मैं तुम्हारी जन्नत में थोड़ी जाऊंगी, मैं अपनी जन्नत में जाऊंगी, एक ही जन्नत होगी उधर, तुम भी शामिल। लेकिन तेरे को मैं नहीं पहचानेगा। मैं भी तेरे को नहीं पहचानूंगी। जाहिर सी बात है कोई नहीं पहचानेगा किसी को भी, बट मेरे को पहचानने का मौका ही मिला मैं फिर भी नहीं पहचानूंगा।
ये कल से उल्टी बातें कर रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ओए ये रोजे में मुझसे मार खा लेगा, इसको संभाल के रखो। मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है इस रमजान में। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोलता है कि पागल हो गया। पागल हो गया नहीं तो पागल था यार। देखो मैं बोलूं खुद को पागल, बर्दाश्त कंट्रोल। रोजा कन्फर्म जन्नत ये है। आपके लिए कमेंट आया पता है क्या? बोलते हैं आपके पापा बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे आपकी सारी फैमिली को। अच्छा ये कमेंट था लाइफ विद ब्लॉसम। लाइफ विद ब्लॉसम बहुत शुक्रिया भाई, आप बच्चे हो, बेटे हो, बेटी हो, बहन हो, बहुत शुक्रिया। दानियाल नहीं बोलते हैं खैर मुबारक, आपको भी अल्लाह हम सब के रोजे कबूल करे, आमीन। और जो सफेद पोश लोग हैं उनकी मदद करे, आमीन। आमीन आमीन सुम आमीन। कार्तिक के बोलते माशाल्लाह आपकी फैमिली बड़ी प्यारी है, नजर ना लगे, आप हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल, आप एक रिलीजियस और हार्ड वर्किंग गर्ल हो, आपका रमजान का रूटीन बेहद अच्छा है, लोग बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच कार्तिक, थैंक यू सो मच यार, आप लोगों के प्यार की वजह से ही तो यहाँ तक पहुँचे हैं भाई। चलो जी हम तिलावत कर लेते हैं, पानी ख़त्म हो गया, अभी मोटर चलाएंगे, जब तक पानी भर नहीं जाता टैंकी में तब तक हम तिलावत कर लेते हैं। सुबह को मैंने आधा से पारा ख़त्म किया था, आधा रहता है क्योंकि यार पूरी रात जाग रही थी ना तो चक्कर आ रहे थे, नहीं पढ़ पाई, तो मैंने सोचा चलो यार असर की नमाज़ के बाद पढ़ लेंगे। नमाज पढ़ ली है, अभी ये जो आधा से पारा रहता है वो भी ख़त्म कर लेते हैं। अशरफ ने पहले स्टार्ट किया मैंने बाद में, लेकिन दोनों ने इकट्ठा ख़त्म करना है इंशाल्लाह। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान। लो जी शुक्र है यार ख़त्म हो गया मेरा दूसरा पारा, बाकी मम्मा यहाँ पे मेरी कुर्ती सिलाई कर रही है, मम्मा जल्दी बना है, मेरे कपड़े ख़त्म हो गए। कितनी रहत क्या? कोशिश तो कर रही हूँ, लाइट का देख रही हूँ आना जाना। हाँ यार लाइट का बड़ा मसला है। पानी खोला है इन्होंने, पानी आया या नहीं? पापा फ्रूट चाट बना रहे हैं, बिल्लू नज़र रख रहा है यहाँ पे, मम्मा यहाँ पे समोसे पकौड़े बना रही हैं, बन ही गए हैं, और मैं बनाऊँगी भाई ब्रेड रोल्स। तो ये ना राजस्थान में क्या क्या बना रहे हो? आज पापा बना रहे हैं फ्रूट चाट, मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल्स और मम्मा बना रही है समोसे पकौड़े। कितने बनेंगे ये? ये बन जाएंगे एक दो तीन चार, चार बनेंगे बस, छह बनेंगे। कलमार ने एक दो समोसे बनाए, बोलता है बस मैं थक गया मुझसे नहीं होएगा, खुद ही करो सारा काम। नहीं जी मैंने सारे समोसे बनाए थे। नहीं जी झूठ क्यों बोल रहे हो? मत पापा ने तो फ्रूट चाट बना भी लिया। चलो जी हमारा काम हो गया, पापा का भी लगभग फ्रूट चाट बन ही गया। ये कचरा पापा एक साइड पे किया जाता है, अभी इसमें हाफ करूँगी, फिर इसमें डिप करूँगी बेसन में, फिर फ्राई करेंगे। चलो ओए ये देखो भाई ये क्या बना रहे हैं? यही तो मैं बना रही थी। वाह यार देखने में तो बड़े टेस्टी लग रहे हैं। हाँ ना काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। माशाल्लाह माशाल्लाह कन्फर्म जन्नती है ये बंदा। ये शंबोशे पड़ेंगे कौन खाएगा? थोड़ी देर बाद जिसे भूख लगेगी ना वो खा लेगा। यार ये मेरे लिए बचाते हैं, पता है इनको डाइट कर रही है फिर भी यार बचा लेते हैं, क्यों बचाते हैं? मेरा भी दिल करता है मैं भी खाऊं।
अभी नमाज पढ़ ली है, बर्तन क्लोज कर रहे हैं, किचन देखो कितना गंदा हो गया है, बर्तनों से भर चुका है। अभी किचन वगैरह भी साफ करते हैं और सैरी के लिए भी कुछ बनाते हैं। बाकी मम्मा ने काबली पुलाव भी बना लिया यार, क्या बात है, ओए होए होए मजेदार यार, खुशबू तो अच्छी आ रही है यार, जल्दी से भूख लगे तो खाएं। नहीं जी तुम्हें तो नहीं खिलाएंगे, तुम भूख लग ही नहीं रही यार, तुम डाइट पर हो। बोलता होगा सही खुद कर दे, खाने के टाइम बंद कर दे, तंग करता है ना, क्या करा। ओले लेले कूचू कूचू बिल्लू चूजू चूजू, चल जा आजाद है। तो किचन मैंने साफ कर लिया है, अभी मैंने चाय रखी है क्योंकि आपको पता है यार हम चाय लवर हैं। बाकी अभी यार कपड़े धुलाई कर रही हूँ क्योंकि यार इफ्तार से पहले मैं धो रही थी कपड़े, मामा ने बोला कि इफ्तार के बाद धो लेना, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, आपका खाना हजम हो जाएगा। मैंने बोला नेकी और पूछ पूछ, ओके मम्मा इफ्तार करके मैं कपड़े धोऊंगी जो रहते हैं। तो हो गया, लास्ट मशीन थी, अभी बस धोते हैं। चाय भी रख के आई हूँ यार, चाय जब तक नहीं पीते ना हमारे सर का दर्द नहीं खत्म होता। वो है, टोपी टोप नहीं यार, पहन के जाओ ना तरह यार, छोटी है मून की है, सही है। अभी वापस नहीं आना, घर वापस नहीं, तेरा बस चले हमें निकाल दे घर से, मस्जिद में बैठ जाओ ना, अरे जन्नती बन जाओ, जाओ। ए जन्नती मरने से होता है बंदा, जा जल्दी जाओ ना, जाओ शाबाश निकलो शाबाश, खुदा चलो अभी हम सुकून से चाय एंजॉय करते हैं। फाइनली अपनी जगह पे आ गए अपना चैनल देखने, मैं जब भी इस जगह पे आऊँ ना समझ जाया करें यही रज अपना चैनल देखने आएगी, कमेंट्स वगैरह तो चाय भी पीते हैं और कमेंट्स वगैरह भी देखते हैं। वाह वाह पापा अकेले अकेले काबली पुलाव खा रहे हैं, वैसे देखने से ही बहुत कमाल के लग रहे हैं पापा, अच्छे बने। तो अभी हम आए हुए हैं कपड़े डालने यार छत पे, शुक्र है सारे काम हो गए। और देखो भाई अब नीरज की हिम्मत, रोजे में भी काम करती है माशाल्लाह माशाल्लाह। वो बाल्टी तुम डालोगी या बाल्टी में डालूंगी? कल से तो मैं सोच रही हूँ डाइट वही स्टार्ट कर लूँ बिस्किट वाली, क्योंकि मुझ में बहुत हिम्मत है यार, मैं कर लूंगी। अरे तुम जो है ना ये अपनी बिस्किट वाली जो डाइट है ना वो फेमस कर दो। हाँ यार बिस्किट वाली डाइट सही है यार, उसकी वजह से मुझ पे बहुत फर्क पड़ा है यार, चेहरा भी मेरा कम हो गया, बॉडी भी सही हो गई मेरी और मेरी बीमारियाँ भी खत्म हो गई। और तुम जो इतनी बड़ी बीमारी उसका क्या हद होती है यार, ये मेरे भाई नहीं सुधरेंगे कुछ भी हो जाए यार, इनकी जितनी भी मैं खिदमत करूँ ना अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नहीं सुधरेंगे। जल्दी जल्दी कपड़े डालो मैं थक गई, ये सारा काम तुम ही करोगे, मैं नहीं करने वाली। तो सारे कपड़े यार हमने तारों पे डाल दिए हैं, बाकी ये भी ऐसा लग रहा है जैसे हैंगर पे कपड़े डाले हूँ। क्या ये कहाँ से आया, हद होती है वैसे यार, हद होती है, सही है ना। बाकी गाइज आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, आज की रूटीन पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करो, नहीं ये काम नहीं करना चैनल को, ओए लाइट्स अगर बंद की ना मार, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नहीं बंद करना जब तक मैं एंड ना करूँ। तो अच्छे अच्छे कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हम जल्दी जल्दी ग्रो करें, और ज़रूर बताइएगा आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कल की रूटीन ज़रूर देखिएगा, कल कुछ अनोखा करेंगे, तो तब तक के लिए पीस।